मुजफ्फरपुर जिले कांटी प्रखंड अंतर्गत अहले सुबह कांटी एनएच 28 पर ठोकर लगने से कांटी क्षेत्र के अकुराहा गांव में मोहम्मद मुस्ताक की ठोकर लगने से मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही परिवार में चीख पुकार मच गई और चार लड़का लड़की वही घटना स्थल पर जानकारी मिलते ही मौके पर कांटी पुलिस पहुंचकर मामले की जांच में जुट गई है, जिसके बाद समझा बुझा कर लोगों को शांत कराया गया। सुबह जा रहा था राजमिस्त्री काम करता है, इसी जगह एक्सीडेंट किया है सुबह 5:30 बजे। मतलब क्या बजे जा रहे थे? 5 बजे करीब में। 5 बजे जा रहा, क्या सूचना मिला आपको, पता चला क्या? पुलिस वाले यहाँ से उठा के ले गए मेडिकल, उसके बाद साबुत था, मोबाइल था, फोन से नंबर से पता चला कि फलाने एरिया का है, वहाँ फोन किया हम लोग को, वहाँ मालूम हुआ घर वाले हम लोग कह के ऐसे बात हुआ है। उसके बाद हम लोग पहुँचे, जब तक ये लोग मेडिकल पुलिस वाले लेके चले गए थे, हम लोग मेडिकल पहुँचे वहाँ, मेडिकल जाने के बाद में वहाँ हुई खत्म था। नाम क्या हुआ? मुस्ताक नाम था उसका। कितना उम्र होगा? उसका उम्र कितना होगा? तीस साल की उम्र है जी। हाँ, 30 साल। जी हाँ, ये क्या बुजुर्ग सब छोटा छोटा क्या नंबर से देख लीजिए। दूसरा जो है मुआवजे के लिए, ये सब बच्चा सब कहाँ से खाएगा, कहाँ क्या करेगा, ये सब कमाने वाला है कोई नहीं। नाम क्या हुआ? मोहम्मद मईनुद्दीन। क्या लगते हैं? इनका हम भाई लगे हैं, चचेरा भाई। R9 भारत के लिए प्रवेश आलम की रिपोर्ट, मुजफ्फरपुर। पूर्वी चंपारण जिले के चिरैया प्रखंड कार्यालय में 10वें चरण के मतदान को लेकर आज छठा दिन भी नामांकन दाखिल कार्य शांतिपूर्ण संपन्न हुआ। आज प्रखंड कार्यालय में भीड़ कम देखने को मिली। नामांकन दाखिल करने के लिए सैकड़ों लोगों की भीड़ देखने को मिल रही थी। प्रशासन की तरफ से कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई। इस लोकतंत्र के महान पर्व को देखते हुए युवाओं में काफी जोश देखने को मिला। भावी प्रत्याशी राघोपुर पंचायत के सरपंच पद के उम्मीदवार मनीषा देवी के पति मनोज प्रसाद यादव ने कहा कि पूर्व में जो भी सरपंच जीते हैं वो सिर्फ शराब और गांजा पीकर पंचायत करते हैं और आज तक किसी को सही से पंचायत नहीं हुआ और न ही किसी के समय से कोई काम हुआ है। ऐसे पंचायत में सरपंच से क्या उम्मीद की जा सकती है, जो सिर्फ जीतने के लिए पंचायत के लोगों से वोट मांगते हैं और जीतने के बाद कोई समाज का कार्य नहीं करता है। उन्होंने बताया कि मैं जनता मालिक से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि इस बार मुझे मौका दें और राघोपुर पंचायत का जो सरपंच पद के उपयोग है उसका सही तरीके से मैं उपयोग करूंगा। मैं मौजूद हूं पूर्वी चंपारण के चिरैया प्रखंड के राघोपुर पंचायत के राघोपुर गांव में। आपको बता दूं कि पंचायत चुनाव का 10वां चरण का आज अंतिम नामांकन है, जो 6 रोज होने जा रहा है और राघोपुर से बहुत प्रत्याशी सरपंच के लिए नामांकन किए हैं। उसमें एक है मनोज कुमार की पत्नी मनीषा देवी, जो आज अपने जैन शराब के लेकर चिरैया प्रखंड में अपना नामांकन दाखिल करेंगे। मैं मनीष कुमार, R9 भारत। मनीषा देवी के पति मनोज कुमार, मैं यह कहने जा रहा हूं कि हमारे पंचायत ग्राम पंचायत राज राघोपुर से सरपंच पद के उम्मीदवार में मैंने अपने पत्नी मनीषा देवी को चुनाव लड़ा रहा हूं और पंचायत के जनता को यह विश्वास दिलाने जा रहा हूं कि आज तक ने सरपंच पद में कोई भी काम नहीं हुआ है। 10-20 वर्ष से चुनाव हुआ, न कोई न्याय हुआ, न कोई सरपंच ही करता है, न पंचायत करता है, न कुछ न विकास वाला काम हुआ है। इसलिए हम वादा करते हैं कि 5 वर्ष के अंदर में इस गंजेड़ी एवं पियकड़ को दूर करते हुए सरपंच पद को असली पद पर लाने का काम करूंगा। R9 भारत के लिए मनीष कुमार की रिपोर्ट, चिरैया।